Hey guys, I'm Meena. Welcome back to my channel. So my today's video, it's all about unboxing. So guys, today we are talk about raw material. Actually, I got so many requests and so many DMs from you that from where we can buy the material. So I think आप सबको पता होगा कि मेरा raw material का store है, that is Pearl Creation. So आज हमारे एक client का हम भेजने वाले हैं parcel and उसी का आज मैं unboxing video बनाने वाली हूँ भेजने से पहले. एंड ये पार्सल जा रहा है प्रज्ञा का एंड द पार्सल कॉस्ट इज 20,000 रुपीज बिकॉज प्रज्ञा हमारी टाइम प्रज्ञा जो है प्रज्ञा बहिरा वो हमारे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, लाइक इन द सेंस कि वो काफ़ी टाइम से हमें मटेरियल परचेज करती है बट नाउ शी इज़ गेटिंग मेनी यू नो ऑर्डर्स एंड उसने अभी स्टार्ट किया है होल सेल में. सो लाइक प्रज्ञा वॉज माई स्टूडेंट एंड उसने कुछ सीखा, उसने ज्वेलरी मेकिंग सीखा एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस एंड नाउ शी इज़ ग्रोइंग. सो ऑल द बेस्ट प्रज्ञा. सो आज हमारा हम आपको पार्सल भेजने वाले हैं एंड प्रज्ञा उड़ीसा से है. आप सबको पता होगा कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है यू नो लाइक ज़्यादा रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो हम उनको भेजते हैं अहमदाबाद से. सो प्रज्ञा है उड़ीसा से और हम पार्सल भेजने वाले हैं अहमदाबाद से. सो देखते हैं कि क्या क्या है. सबसे पहले ये उसका पार्सल जो है वो हमने पैक नहीं किया है बिकॉज इसके पहले मुझे वीडियो बनानी थी मैं कि हम कैसे डील करते हैं कस्टमर्स के साथ में या फिर हम कैसे पार्सल्स भेजते हैं, कैसे हमारी पैकेजिंग्स होती हैं और किस किस क्वान्टिटी में देते हैं. तो ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ में ज़रूर कवर करूँगी बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं. आई थिंक ये 10 kg का पार्सल तो है ही है. एक और चीज़ मुझे आप सब लोगों से कंफर्म करनी थी ये कि लाइक जो वेट है जो शिपिंग रहता है वो हमारा एक्सक्लूड रहता है एंड इंडिया के किसी भी स्टेट से आप मटीरियल जो है वो ऑर्डर कर सकता है. अब तक हमने 7,000+ ऑर्डर्स यहाँ से डिस्पैच कर दिए हैं. स्टार्टेड माई बिजनेस एंड मुझे नहीं लगा था कि मेरा रॉ मटेरियल का बिजनेस इतना अच्छे से चलेगा बट नाउ आई एम सो हैप्पी विथ योर गुड रिव्यूज एंड योर फीडबैक एंड थैंक यू सो मच. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग रॉ मटेरियल यू कैन डी एम मी और यू कैन कमेंट बिलो. लेट्स अनबॉक्स दिस पैकेज और देखते हैं इस पैकेज में क्या क्या है. मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ सो स्टे ट्यून्ड. ये है प्रज्ञा का बॉक्स और हम देखने वाले हैं इस प्रज्ञा के बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं. आई थिंक प्रज्ञा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा खुशी होगी बिकॉज सी दिस पैकेजिंग एंड ये लाइक हमारा इस मंथ का सबसे बड़ा बल्क ऑर्डर है एंड मैंने आपको प्राइस बता दिया कि ये 20,000+ शिपिंग है. एक्चुअली शिपिंग जो है वो एक्स्ट्रा है एंड तो सबसे पहले प्रज्ञा ने मंगवाई है हमसे कौरी. ये वाइट शेल्स है तो पहले मैं आपको बता दूं वाइट शेल्स के बारे में. वाइट शेल्स प्रज्ञा ने 1 kg वाइट शेल्स ऑर्डर किए हैं तो ये पूरा 1 kg का पैकेज है. एक्चुअली हमने इसको पॉलिथिन में ही पैक कर दिया है एंड उसके बाद उसने कुछ ऑर्डर करे हैं स्टिकिंग कुंदन. यू कैन सी ये है सारे स्टिकिंग कुंदन. दो शेप है, आई शेप एंड स्क्वायर वाले हैं एंड द साइज इज आई थिंक 6 mm. 6 mm का साइज है. उसके बाद प्रज्ञा ने कुछ ऑक्सीडाइज में ऑर्डर किया है. ये कुछ चांद बालीज टाइप में है, लाइक बालीज है ये. ये स्मॉल झुमकीज है और ये भी कुछ पेंडेंट्स है ये वाले. इस वीडियो का पूरा क्लिप मैं आपको जूम करके ज़रूर बताऊँगी बट पहले मैं आपको क्वांटिटी एंड पूरा मटेरियल का नाम बताने वाली हूँ कि क्या क्या मटेरियल हमने इसमें पैक किया है. उसके बाद है ये स्टर्ट गोल्डन एंड मिक्स, गोल्डन एंड सिल्वर दोनों मिक्स हैं. एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं. सो उसके बाद है ये कुछ राखी पेंडेंट्स बिकॉज अभी आप सबको पता है कि राखी आने वाली है इस वजह से. एंड ये है रबर बैक पुश. आपको पता होगा रबर बैक पुश किस काम के यूज़ आता है. बेसिकली इयरिंग लॉक है ये. एंड ये है कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज स्टड्स. उसके बाद ये है गंठन माला, पर्ल चेन का ये पूरा पैकेट है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों ने मुझसे क्लास ली एंड दे आर ग्रोइंग एंड आई एम सो हैप्पी मुझे इनके उनको लाइक ऐसे बिजनेस करते हुए एंड वो लोग इतने अच्छे डील कर रहे हैं. सो समटाइम्स आई फील सो हैप्पी कि येस दे आर लर्निंग समथिंग एंड उसके बाद में ये है गोल्डन डोरी जो नेकलेस के लिए यूज़ होती है. उसके बाद है लोरियस.
आई थिंक प्रज्ञा ने 1 kg लोरियल्स ऑर्डर करे हैं, बिकॉज अभी आप सबको पता है राखी में सबसे ज़्यादा लोरियल्स चलते हैं. सो लोरियल्स के लिए लाइक राखी बना सकते हो आप भी, आप ताबीज़ वाले जो ईयरिंग्स ज़्यादा चलते हैं वो बना सकते हो. सो हमने यहाँ पे लोरियल्स में कलर हम सिर्फ बाई ऑर्डर ही देते हैं. उसका रीज़न ये है बिकॉज सबसे ज़्यादा एवरग्रीन एंड फुल सीजन में चलने वाला काम आई थिंक सिल्वर एंड गोल्डन का है, इसलिए हमने ये वाले रखे हैं. एंड उसके बाद है ये पर्ल चेन. अब सबको पता है कि राखी की वजह से प्रज्ञा ने इतना सारा हमें ऑर्डर किया है एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि लाइक इतना हमारा बल्क ऑर्डर पहले, मतलब जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं वो लोग इतना बल्क ऑर्डर करते हैं, इंडिया में बेसिकली नहीं करते, मतलब वो अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं हमसे. सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर दिस ऑर्डर. एंड उसके बाद है ये पर्ल चेन एंड देन ये वाले हैं क्रिस्टल बीड्स. आप सबको पता होगा क्रिस्टल बीड्स के बारे में. ये वाले क्रिस्टल बीड का जो साइज़ है दैट इज़ 4 mm के क्रिस्टल बीड्स हैं. उसके बाद ये हैं ग्लास पर्ल्स एंड ये वाले गोल्डन में हैं, एक्चुअली ब्राउन नहीं है, ये रोज़ गोल्ड कलर है. तो ये रोज़ गोल्ड कलर के ग्लास पर्ल्स हैं. यू कैन सी इनकी जो आवाज़ आ रही है इससे पता चल रहा है ये ग्लास है. एक्चुअली ग्लास पर्ल जो होते हैं वो प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर मेकिंग सम राखी पर्ल्स एंड लाइक यू नो अगर आप कुछ हैवी बना रहे हैं सो मेक श्योर आप उसमें उस तरीके का कुछ मटेरियल यूज़ करें. ग्लास पर्ल बहुत प्रीमियम लगता है ये. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको नहीं पता होगा कि हमारे स्टोर पे फैब्रिक भी मिलता है. सो प्रज्ञा ने हमसे ये बांधनी का फैब्रिक ऑर्डर किया. आप सबको पता होगा मैं राजस्थान से हूँ एंड मेरा स्टोर अहमदाबाद में है, तो मैं है आई मीन गुजरात. तो गुजरात एंड राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग बांधनी एंड लहरिया ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने बांधनी एंड लहरिया के भी काफ़ी सारे कलेक्शन रखे हैं. बट आई थिंक उड़ीसा में ऐसा नहीं होता है. उड़ीसा में काफ़ी यहाँ पे हैंडलूम का फैब्रिक ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ के लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं. तो हमने प्रज्ञा को 2 meter ये फैब्रिक भी भेजा है. फैब्रिक का क्वालिटी बताऊँ तो ये कॉटन फैब्रिक है एंड ये रियॉन फैब्रिक है, बट इतना ये लूज़ फैब्रिक नहीं है, इतना फ्लोरी नहीं है, ईजिली इससे एम्बिएंट आप बना सकते हो. उसके बाद प्रज्ञा ने हमसे ऑर्डर करे हैं सीड बीड्स. ये पूरे सारे 500 grams हैं सारे, जिसमें पिंक कलर है, उसके बाद में रेड कलर एंड गोल्डन एंड ग्रीन कलर, ये सारे कलर्स हैं. उसके बाद में काफ़ी सारे कलर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ. सो ये सारे कलर्स हैं जिसमें येलो, ब्लैक, स्काई ब्लू एंड वाइट, ये सारे कलर्स हैं. बाद है ये मेटल घुंघरू. यू कैन सी ये सारे मेटल घुंघरू हैं. ये भी शायद प्रज्ञा ने 200 grams ऑर्डर करे हैं. ये है रिंग बेस गोल्डन. ये भी ये पीस पे आता है, ये वेट पे नहीं आता है, तो पर पीस के हिसाब से इसका रेट है. उसके बाद है ये सीसीडी नॉइसलेस घुंघरू, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर मेकिंग फैब्रिक ज्वेलरी और लाइक अगर आप नेकलेस ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं तो ये नॉइसलेस घुंघरू ये बेसिकली प्लास्टिक मटीरियल है. उसके बाद में कुछ हमने कुंदन भी रखे हैं यहाँ पे, जिसमें ओवल साइज स्क्वायर है एंड सारे वही हैं. ये टोटल शायद काफ़ी सारे यहाँ पे, ये काफ़ी सारे यहाँ पे कुंदन हैं जिनका पैकेट है 1, 2, 3 आई थिंक 10 packets है इसमें. और ईच पैकेट में क्वांटिटी आती है 50 pieces की क्वांटिटी है. उसके बाद है ताबीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली रिक्वायर्ड मटीरियल आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टॉक नहीं रहने वाली ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि इनका स्टॉक जैसे आता है वैसे स्टॉक आउट हो जाता है, क्योंकि लोग इसके बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं ताबीज़ पेंडेंट की. उसके बाद हमने ये जो मटेरियल है, एक्चुअली हमारे पास जितना भी मटेरियल है उन सबकी जो क्वालिटी है वो चाइनीज़ क्वालिटी है. चाइनीज़ क्वालिटी इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फिनिशिंग होती है उसमें एंड वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होता है. तो हमें ज़्यादा ज़्यादा हैवी मटेरियल पहनने की ज़रूरत नहीं है, और इंडियन क्वालिटी होती है वो ज़्यादा हैवी होती है एंड चाइनीज़ जो मटेरियल होता है वो वेटलेस होता है. तो ईयरिंग भी इतने हैवी नहीं बनते हैं, क्योंकि अब सबको बताएं कि हम सब लोग टैकी ईयरिंग्स ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं पहन सकते हैं. टैकी ईयरिंग्स हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन सकते हैं, उसका रीज़न ये है. तो हमने यहाँ पे सारी चाइनीज़ क्वालिटी रखी है. इनका पॉलिशिंग बहुत अच्छा है, इनका फिनिशिंग बहुत अच्छा है,
ये कहीं से भी ज्यादा ब्लैक नहीं है, जैसे जो सिल्वर है तो वो सिल्वर ही ज्यादा डिटेलिंग्स है, ब्लैक डिटेलिंग्स नहीं है, एंड गोल्डन में भी ऐसा है। सो आप इफ हमसे कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास में क्वालिटी कैसी है। आप सबको पता होगा कि मैं हमेशा होलसेल में ही डील करती हूँ ज्वेलरी की, तो मेरा ज्वेलरी का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा मेरे स्टोर पर क्रिएशन से ही होता है। उसके बाद है ये मंगलसूत्र चेन। मैं वैसे कुंदन ज्वेलरी नहीं बनाती हूँ, बट मेरे स्टोर पे कुंदन मटेरियल मिल जाता है बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ कुंदन ज्वेलरी ही बनाते हैं। उसके बाद में है ये वाले कॉइन्स, ये प्लेन कॉइन्स है, इस पर कोई प्रिंट नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। अगर आप छोटी सी स्टड इयरिंग बना रहे हैं तो उसकी डिटेलिंग के लिए काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ये लोटस स्टड। एक्चुअली लोटस अभी बहुत मार्केट में डिमांड है, इस वजह से अभी उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास में ये छोटे वाले हैं। इन सबका पूरा जो क्लिप है मैं आपको क्लोजअप ज़रूर बताऊंगी। एंड उसके बाद में लास्ट ये कनेक्टर बोलते हैं, एक्चुअली ये ऐसे कनेक्टर यूज़ करते हैं, बट मैं इसको एज अ ताबीज पेंडेंट लाइक ईयरिंग को ज्वाइन करने में या फिर एज अ जैसे ताबीज पेंडेंट होते हैं मैं उनको वैसे भी यूज़ करती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनका वेट तो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपकी क्लाइंट आपसे ये डिमांड करते हैं कि उनको ज़्यादा वेटलेस ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है, तो आप इस टाइप के पेंडेंट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास में लॉबस्टर लॉक, ये है लॉबस्टर लॉक, ये वाले गोल्डन एंड सिल्वर हम दोनों क्वालिटी देते हैं, लाइक हम दोनों कलर्स में देते हैं सिल्वर एंड गोल्डन। आप दोनों कलर ऑर्डर कर सकते हैं कंबाइन। जस्ट एग्जांपल आपको 100 ग्राम, एक्चुअली लॉबस्टर लॉक होते हैं वो जो पीसेस पे आते हैं, वेट पे नहीं आते हैं, इस वजह से आप दोनों साथ में ऑर्डर कर सकते हैं 50-50 पीसेस। सो ये है यहाँ पे लॉबस्टर एंड ये आई थिंक 100 पीसेस है। उसके बाद है ये ताबीज पेंडेंट, तो ये भी है शायद 100 ग्राम है बिकॉज ये बहुत लाइट वेट होता है तो इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में ये वाले कॉइन्स है, वाले कॉइन है, इस पर कोई प्रिंट नहीं है बट बहुत छोटी वाली साइज है, इट्स लाइक अ सीक्वेंस। उसके बाद में ये सिल्वर निकल जंप रिंग, एक्चुअली सिल्वर एंड निकल में ये डिफरेंस होता है कि सिल्वर पूरा प्योर सिल्वर कलर का होता है, निकल इट्स लिटिल बिट ऑक्सीडाइज कलर, तो ये डिफरेंस है दोनों का। एंड उसके बाद में ये है ताबीज, ये ताबीज की क्वांटिटी है 200 ग्राम्स एंड ये वाली भी है 200 ग्राम्स। ओके, प्राइस के लिए आप मेरा जो कैटलॉग है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये CCB घुंगरू है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर सम मटीरियल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटीरियल। उसके बाद में ये CCB घुंगरू है, ये भी 200-300 ग्राम्स है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इनका क्वान्टिटी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में ये हैं सारे मीना कुंदन हैं, ये वाले हैं ओवल साइज है, राउंड शेप है एंड ये स्क्वायर वाले हैं, तो ये भी सारे हैं। ये वाले हैं सारे सीड बीट, सीड बीट भी आपको सारे क्वांटिटी में मिल जाएंगे, आपको जिस क्वांटिटी में चाहिए। ये कॉपर कलर के हैं। उसके बाद है ये ग्लास सीड्स, इनकी साइज है 8 mm एंड यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, इनका शाइन बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इनका पॉलिश भी नहीं निकलता है। उसके बाद में ये है क्रिस्टल बीट्स, राखी आ रही है तो सारे लोग अभी राखियाँ बनाएंगे घर पे, एंड स्पेशली अगर आप राखी होलसेलर हैं तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लोरियल्स भी यहाँ पे हमने रखे हैं सिल्वर एंड गोल्डन कलर। फिर है ये पर्ल चेन को भी हमने डाल दिया है इसमें, एंड अभी सारा मटीरियल है ऑक्सीडाइज जिसमें ये राखी पेंडेंट्स हैं ये वाले, एंड ये है बैकपुश, ये है स्मॉल झुमकीज, ये है पेंडेंट और ये है स्टड्स, ये भी गोल्डन एंड सिल्वर दोनों मिक्स है स्टड्स। उसके बाद में ये है कुछ चांद बाली, मैंने चांद बाली के बहुत सारे पैटर्न बनाए हैं मेरे यूट्यूब वीडियो पे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में ये है मेटल घुंगरू, ये नॉइसलेस घुंगरू नहीं है, एंड यही है ये सिल्वर
उसके बाद ये है गोल्डन डोरी, ये यूज बेसिकली नेकलेस के लिए होते हैं, और ये है रिंग बेस, इसमें सिल्वर भी अवेलेबल होता है, उसमें काफ़ी सारे पैटर्न भी अवेलेबल है हमारे पास में, बट ये रेगुलर है, लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें हल्दी ज्वेलरी के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो जो ज्वेलरी होती है वो यूज़ एंड थ्रू होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एमडीएफ, एंड एमडीएफ की काफ़ी सारे शेप्स हैं हमारे पास में, एंड मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एमडीएफ के बहुत सारे अच्छे शेप एंड होलसेल रेट में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। येस, तो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी एमडीएफ के शेप एंड उनकी प्राइस। तो हम एमडीएफ सेल कर रहे हैं 1.5 रुपीज़ में, दैट इज़ आई थिंक अफोर्डेबल प्राइस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमडीएफ के शेप से। सो हमारे पास में ये वाला शेप है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर, ये शेप है हमारे पास में, एंड प्रज्ञा ने आई थिंक यहाँ पे ईच क्वांटिटी 200 पीसेज यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। ये सारे एमडीएफ कस्टमाइज हैं, आई थिंक प्रज्ञा ने ऑर्डर दिया था एंड हमने सबकी 200 पीसेस के उनको क्वांटिटी दी है, आई मीन 100 पेयर हो गया ये। सो एक ये वाला शेप है इसमें, एंड एमडीएफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कई बार मैंने एमडीएफ लिया हुआ है एंड एमडीएफ की क्वालिटी जो है साइड से ब्लैक हो जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एमडीएफ की यू कैन सी ये कितने वाइट है, एंड जब भी मैं पियरिंग बनाऊंगी बिल्कुल भी आपके हाथ जो है वो बिल्कुल गंदे नहीं होने वाले हैं। सो ये है एमडीएफ के ये डिफरेंट शेप, एंड अगर आपको एमडीएफ के कुछ शेप्स आपको पसंद आ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर फ्रॉम पर्ल क्रिएशन, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊँगी। एंड ये है थिकनेस, इसकी थिकनेस है आई थिंक 3 mm की थिकनेस है हमारे पास में, इवन हमारे पास में 5 mm की शीट भी अवेलेबल है, तो आपको वो भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप कुछ और बना रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा पेज है आपका क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट, तो हमारे पास में वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप वहाँ से कस्टमाइज यू नो आप अपना ड्राइंग हमें सेंड कर दो एंड हम आपको एमडीएफ की काफ़ी सारी शीट्स जो है वो आपको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आई शेप, ये है आई शेप वाले, ये है आई शेप के एमडीएफ शीट। उसके बाद है ये राउंड शेप, इसका साइज है 2 inches, तो ये भी है, शायद इसकी ज़्यादा क्वांटिटी आई थिंक प्रज्ञा ने इसके 400 पीसेस ऑर्डर करे हैं। उसके बाद में यहाँ पे यू शेप वाला एमडीएफ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, एंड एक और चीज़ है ये हमने आप सब लोगों के लिए ओपन रखा है कि अगर आपको कस्टमाइज़ करवाने हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप इसमें एमडीएफ के जो पीसेज हैं वो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एक ये है टेम्पल शेप, ये ट्राइंगल का बड़ा वाला साइज का, ये छोटा वाला साइज है ट्राइंगल का, आई मीन आप इसको एज अ स्टड यूज़ कर सकते हो और एज अ पेंडेंट, इट्स अप टू यू, आप डिज़ाइनर हो इसके तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपको एमडीएफ कहाँ और कैसे यूज़ करना है। उसके बाद में है ये लॉन्ग वाले रेक्टेंगल शेप, यू कैन सी आप इसमें ईयरिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड इवन आप इनके चोकर्स वगैरह भी बना सकते हैं। और ये वाले हैं हाफ राउंड, ये वाले हाफ राउंड बेसिकली जो बेसिक इयरिंग्स हैं ताबीज़ वाले उनसे काफ़ी छोटे साइज़ है, तो ये भी प्रज्ञा के सारे कस्टमाइज ऑर्डर हैं, प्रज्ञा ने स्पेशली शायद इनके और डिज़ाइंस देखे एंड फिर हम उनसे इसके बाद ये एमडीएफ के स्मॉल राउंड हैं, इनको भी एज अ स्टड यूज़ कर सकते हो। एंड एमडीएफ के ये वाले हैं मैंगो शेप के, ये एमडीएफ है। उसके बाद में ये वाला शेप है हाफ राउंड, ये सेमी सर्कल है बट ये ज़्यादा हाफ नहीं है, सेमी सर्कल कह सकते हैं इसको। उसके बाद में ये बकेट जैसा कुछ शेप है, ये भी कुछ डिफरेंट है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे शेप्स हैं, आई थिंक 2-3,000 क्वांटिटी में एंड 20+ डिज़ाइंस हैं, तो मैं वीडियो के एंड में आपको सारा जितना भी हमारे पास एमडीएफ के डिज़ाइंस है वो मैं आपको उसका फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा, एंड इवन आपको जो भी मटेरियल चेकआउट करना है आप मेरे कैटलॉग में देख सकते हैं, आपको कैटलॉग में देखते प्राइस एंड क्वान्टिटी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू आर मेकिंग ज्वेलरी देन Pearl Creation is for you. Bye-bye.